इंदौर में ऐसी कई गलियां हैं जहां पे कई प्रोमिनेंट लोग रहते हैं और उनके साथ रहती है उनकी कहानियां, और मैं गली गर्ल अब उनकी कहानी आप तक पहुंचाऊंगी ओनली ऑन इंदौर टॉक, क्योंकि मैं हूं इंदौर टॉक की गली गर्ल। भैया ये ठीक तो लग रही हूँ ना मैं कैप वगैरह पहला, उसमें पहले में गंदी ना लगूं, मैं कर तो लूंगी ना, चलो आई कैन डू इट। तो मैं गली गर्ल फाइनली आ गई हूँ इंदौर की एक ऐसी ही गली में जहाँ रहती है हमारी ट्रैफिक क्वीन शुभि जैन। तो चलिए अंदर चलते हैं और उनसे करते हैं थोड़ी गपशप। ये हेलो हाय गली गर्ल, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे? स्वागत है आपका हमारी गरीब खाने में, कैसा लगा? ऐसा गरीब खाना भगवान सबको दे। नहीं भैया, हम तो वाकई में गरीब है क्योंकि हमारे से ज्यादा जगह हमारे पौधों को मिल जाती है, तो अपना तो छोटी सी जगह। बट ये इतने सारे पौधे यहाँ पे आपने लगाए? हाँ, हमारे हाथ के लगे हुए। गजब। तो चलिए आप फटाफट चेंज करके आइए, आज हम चलते हैं आपकी ही आसपास की गलियों को एक्सप्लोर करने। दो ऐसे अरे जल्दी से बाय। दीदी मैं सबसे पहले, एक सेकंड, सबसे पहले दीदी मत बोलो बहन, हम बस लंबाई में बड़े हैं, उम्र में ज्यादा बड़े नहीं है। सर सबको दीदी बोलने पे बुरा लगता है? क्यों नहीं लगेगा यार, मैं जगत दीदी होती जा रही हूँ, समझ नहीं पड़ रहा है, जैसे देखो शुभी दीदी शुभी दीदी। चलो तो अब देखो, अब हमको ये पता चला, अभी मुझे आज शूट पे पता चला कि आप आरजे भी हो। ट्रैफिक का तो मुझे पता ही था, कंपनी चला रहे हो। नहीं मतलब मैं क्या कर, जॉब छोड़ दूं? अरे नहीं यार, अच्छा लगता है यार ये सारी चीजें करना। दुनिया में कितनी सारी चीजें हैं जो अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, मतलब मुझे तो और भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आई वुड लव टू टेक दैट। मजा आता है यार, किसे नहीं पसंद। यहाँ हमें एक मिलती है उसमें भी हम ऐसे बिगाड़े कर देते हैं, मतलब कैसे चलेगा ना। नहीं यार, मतलब जब तक ना काम में मजा आता है ना, तो सारी चीजें बढ़िया चलती रहती है। हमारा दिन सुबह 7 बजे शुरू होता है, रात को 9-9:30 तक घर पहुँचते हैं, लेकिन जो थकान होती है कि आए हाय मजा आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद आप क्या करते हो? कुछ नहीं, चाय पीने के लिए निकल जाते हैं कहीं पर भी। दैट इज द परफेक्ट एंडिंग ऑफ द डे। ड्राइविंग करना बहुत ज्यादा पसंद है, थार उठाई निकल लेते हैं। चलिए अभी वहीं चलते थे। चलो अच्छी बनाना, बाय गॉड कैमरे के सामने बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। मुझे अभी पता चला कि आप यातायात प्रबंधन मित्र के ब्रांड एम्बेसडर हैं, मतलब इतने टाइम से इंदौर का कोई नहीं और आप बिना से आके, मतलब ये तो यार ये तो मतलब मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि इंदौर ट्रैफिक पुलिस मौका देता है आम जनता को अपने साथ कंधे से कंधा मिलाकर ट्रैफिक को सुधारने के लिए काम करने देना, तो मतलब मैं तो बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ और कर रही हूँ, 1.5 साल से काम कर रही हूँ और अच्छा लग रहा है चीजें करना। आप मतलब लाइक वीमेन एंटरप्रेन्योर है, उसके बाद आप आरजे है, फिर ट्रैफिक संभाल रहे, तो इतने इसमें सबसे ज्यादा चैलेंजिंग आपके लिए क्या था? यार एंटरप्रेन्योरियल जर्नी ऑफ कोर्स थोड़ी टफ हो जाती है क्योंकि इट्स अ 24/7 जॉब, और जब आप खुद एक कंपनी शुरू करते हो तो यू आर नॉट जस्ट द ओनर ऑफ द कंपनी ना, आपको एक ट्यून का भी काम करना पड़ता है क्योंकि शुरुआत आप हमेशा अकेले करते हो, स्टाफ तो धीरे धीरे बाद में आता जाता है। मेरे गांव से मैं बहुत सारे लोगों को यहाँ लेकर आई हूँ, आई हैव अ प्रॉपर स्टाफ, बट शुरुआत में तो मैंने ही खुद मुंह छुपा छुपा के डिलीवरीज करी है प्लांट्स की। दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। सेकंड हाफ इज ट्रैफिक, बिकॉज ऑफ कोर्स फिजिकली बहुत हार्डिक हो जाता है। आप देखोगे ना मुझे सिंगल में भागती रहती हूँ इधर उधर, मतलब बहुत मजा आता है मुझे क्योंकि मैं मन से वो चीज करती हूँ। लेकिन हाँ, फिजिकली देखा जाए तो ट्रैफिक वाला चीज, और मेंटली देखा जाए तो 24 घंटे 7 दिन हमारा माटी वाला का ओनर होना, ये चैलेंजिंग है। बट ये जैसे आरजे वाला चस्का कैसे चढ़ा था, मतलब यार ये तो हमें भी नहीं पता था कि हम आरजे बन सकते हैं, बट बड़ा मजा आता है मुझे क्योंकि पता है शाम के समय जब हम इंदौरी जनता को रियल में देखते हैं और सुबह हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है चीजों को रिलेट करना है। और दूसरी बात ये कि हमारे पास बहुत कहानियां होती है लोगों को सुनाने के लिए। सिग्नल पे देखते हैं ना अपन, सभी सारी लड़ाइयां देखते हैं, बीवी रूठ गई देखते हैं, बच्चा रो रहा है देखते हैं, सब चीजें देखते हैं। बट आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब आज के इसमें जो आप, आई एम सो हैप्पी कि मैं फाइनली आपके साथ इतनी कन्वर्सेशन कर पाई हूँ, इतनी बातें कर पाई हूँ आपके बारे में पर्सनल लेवल पे, हर लेवल पे। हमें भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू। देखो 6 महीना हुआ है ना इंदौर आए, बावली हो जाओगे तो मैं शहर के लिए लिख के ले लो हमसे, हम आए थे थोड़े दिन के लिए कि वापस चले जाएंगे, बिना नहीं जा रहा है हमसे, ये नहीं बोलना भी सीख जाओगी। ओके तो अभी तो गली गली का साइनिंग ऑफ का टाइम हो गया है, तो मैं फिर आऊंगी ऐसी ही कोई चटपटी बातों के साथ, ऐसी प्रोमिनेंट लोगों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंदौर टॉक, उसमें मैं फिर आऊंगी, तब तक के लिए सायोनारा।